हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम फाइनली अनस के इंजेक्शन के लिए जाने लगे और आज हम बिल्कुल टाइम पे जाने लगे। आज मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, मतलब थोड़ा सा लाइट सा मेकअप किया और कुछ भी नहीं किया, और उसको भी हमने जल्दी से पहले से ही तैयार कर दिया। तो अब हम निकलने लगे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज उसका इंजेक्शन लग जाएगा, क्योंकि 1 वीक ऊपर हो चुका है। और वैसे हम मारूफ से ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन हमारे घर के बिल्कुल साथ कायदाजम हॉस्पिटल है और वहाँ से भी इंजेक्शन लग रहे हैं, पता किया था हम लोगों ने अभी कॉल करके। तो आज हम कायदाजम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से इसका इंजेक्शन लगेगा। और मारूफ का इसलिए हमने डिले किया है कि हमें 12 तो बज के और 2 बजे तक की टाइमिंग है, तो ये ना होना कि जाते जाते हम लोगों को टाइम लग जाए और फिर इसका रह जाए। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि इस बार हम कायदाजम इंटरनेशनल से लगवा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से फिर हम मारूफ से ही करवाएंगे। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि काली अग्गे टोयाए, ये हिसाब हमारे साथ हुआ है। जब कहीं जल्दी जाना हो तो कहीं ना कहीं बंदा फंस ही जाता है। आधा घंटा रश में फंसने के बाद अब हम कायदेआज़म हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं। जब लिफ्ट बंद थी तो मैं हंस रही थी और ना सब देख रहे थे, मुझे ना वो सॉन्ग याद आ रहा था जुड़वा टू का, लिफ्ट तेरी बंद है वाला। और ये रोने की आवाज़ हमसे जो पहले बेबी अंदर है उसकी है। और अब हमारे बेबी के रोने की बारी है। ये कितने 4 इंजेक्शन लगेंगे अभी? अच्छा, फर्स्ट टाइम बंदे को सीरियसली कुछ भी नहीं पता होता, और जब पहला एक्सपीरियंस हो तो फिर तो बंदे को पता ही नहीं होता ना कुछ भी। कार्ड पे जो थे वो 4 इंजेक्शन्स लिखे हुए थे, तो हमें ये लग रहा था कि 4 इंजेक्शन्स लगाने वाले ही होंगे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि 2 जो है वो पीने वाले और 2 जो है वो इंजेक्शन्स लगेंगे। वरना मैं यही सोच रही थी बार बार कि यार 4 इंजेक्शन्स लगेंगे, इसे तो फिर बहुत दर्द होगा। बस लगा के रखो। आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ? ठीक हो आप? बाबा आपको पैक कर रहे हैं ना, आपको ठंडा लग जाए। अनस गुस्से से हमें देखते हुए कि हमने क्या फिल्म किया आज अनस के साथ। अनस का इंजेक्शन लग चुका है, वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने उसको फिर गोद में लिया, हमने उसे उठाया, उससे बहलाने की कोशिश की, उसको जो उन्होंने दवाई का कहा था हमने वो दी। हर 4 घंटे के बाद इंजेक्शन के ना आपको पैनाडोल देनी पड़ती है बच्चे को, 1 जो ड्रॉपर है वो, तो मैंने वो दिया था। और वापसी पाते हुए हम ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा फंस गए थे, और जब बंदा अकेला व्लॉगिंग कर रहा हो तो फिर ये इश्यूज़ तो सामने आते ही है। मैं वीडियो नहीं बना सकी अब घर आकर उसको सुला के, तो अब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने लगी हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।